हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग के अंतर्गत दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित है, जिसे हम हिंदी में सांकेतिक भाषा परीक्षण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हम कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम कौन सा पैटर्न लगाएं, आखिर इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे पैटर्न जो है बताने जा रहा हूँ, जो हम क्वेश्चन में पैटर्न लगाकर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसे कुछ ही सेकंडों में जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंतर्गत, तो हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से संबंधित होते हैं। जैसे अगर एनालॉजी की बात करें तो सादृश्यता, और क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्गीकरण, यानी कि आपको सादृश्यता और वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम इसके अंतर्गत तीन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा पैटर्न होगा, यानी कि पहला टाइप होगा लेटर कोडिंग, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसको, लेटर कोडिंग को, उसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर कोडिंग को, और तीसरा जो हमारा टाइप रहेगा वो है मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें लेटर और नंबर को मिक्स करके जो है हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमने टाइप वन को लिया, यानी कि लेटर कोडिंग। तो दोस्तों, हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन किया है जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखा है कि क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में किस प्रकार से जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो बात करें दोस्तों पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE से कोड किया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में आपसे बोला है किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को किससे कोड कर दिया जाता है, IBOE से, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को कैसे कोड किया जाएगा। दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जिस प्रकार से हैंड को कोड किया गया IBOE से, उसी प्रकार से सिल्क को कैसे कोड किया जाएगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहें, सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्लेस वैल्यू है कि कौन सा लेटर कौन से स्थान पर आता है, ये आपको जो है याद होनी चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज से संबंधित एक क्लास है जिसमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू को जो है डिस्कस किया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। दोस्तों, अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न को डिस्कस करेंगे। किसको, फॉरवर्ड पैटर्न को। पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न को जो है दोस्तों समझ लेते हैं, आखिर फॉरवर्ड पैटर्न है क्या। फॉरवर्ड पैटर्न दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न कहता है, सपोज आपके पास चार लेटर है, 1 2 3 4, और इन्हीं चार लेटर को चार लेटर से
कोड कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ चार लेटर दे रखे, आपको जितने चाहे मर्जी क्वेश्चन में लेटर दिए हों उनको जितने भी लेटर से कोड कर दिया जाए, तो उसमें फॉरवर्ड पैटर्न कैसे लगता है, जैसे पहले लेटर को पहले लेटर से, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से, चौथे लेटर को चौथे लेटर से जो है दोस्तों कोड कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम फॉरवर्ड पैटर्न। और ये पैटर्न दोस्तों हमेशा क्या होगा, आगे से चेक करते हैं, मतलब पहले लेटर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो इसी पैटर्न का यूज करके दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे बात करें इन्होंने हैंड, एच ए एन डी, हैंड को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा, आई बी ओ ई, और आपसे पूछा एस आई एल के, यानी कि सिल्क को कैसे कोड किया जाएगा। दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आप इन लेटरों की प्लेस वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, इन लेटरों की प्लेस वैल्यू इनके ऊपर लिख देंगे। जैसे एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर कौन से स्थान पर आता है, तो आप देखेंगे एच की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 8, ए की हो जाएगी 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, डी की हो जाएगी आपकी 4। इसी प्रकार से आई 9, बी 2, ओ 15 और ई 5। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने क्या किया, इनकी प्लेस वैल्यू लेटरों की इनके ऊपर लिख दी। अब आप देखिए इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगाइए, तो फॉरवर्ड पैटर्न कैसे चेक करते हैं, हमने आपको अभी समझाया कि फॉरवर्ड पैटर्न को जब भी आप चेक करेंगे तो आगे से चेक करेंगे, यानी पहले लेटर को पहले लेटर से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो आप देखेंगे 8, 9, मतलब एक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि एक बढ़ गया, 1, 2 यहाँ भी एक बढ़ गया, 14, 15, 4, 5। कहने का मतलब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, +1, क्या हो रहा है, +1 इंक्रीज हो रहा है, प्रत्येक लेटर को एक नंबर इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम भी क्या करेंगे, इस सिल्क में इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे एस 19, आई 9, एल 12 और के आएगा आपका 11 पर। हम भी क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, तो 19 और 1 20, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 11 और 1 12। जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका 20 पे आता है टी, 10 पे जे, 13 पर एम और 12 पर एल। तो फाइनली दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा टी जे एम एल, क्या होगा, टी जे एम एल। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टी जे एम एल। तो दोस्तों ये पहला पैटर्न था जो हमने आपसे डिस्कस किया। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोडिंग या डिकोडिंग का, तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न लगाइए। इसमें क्या होता है, पहले लेटर को पहले लेटर से, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से कोड कर दिया जाता है। इसमें या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, आप जो है इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिल्कुल नए हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू उनके ऊपर लिख देंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न इसमें लगा है। अब दोस्तों हम क्वेश्चनों को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कहा है हैंड को ये लिख रहा है ई ओ बी आई, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को जो है क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अब जितने भी हम क्वेश्चन लेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि लिखने में दोस्तों जो है ज़्यादा टाइम लगता है। आप जानते हैं कि हम व्हाइट बोर्ड पर जो है पढ़ा रहे हैं, कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं ये, तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही तरीका क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, क्या प्लेस वैल्यू। तो आप देखेंगे H आपका किस नंबर पे आता है, 8,
A1, N14, D4। इसी प्रकार से E5, O15, B2, I9। जब हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे क्या इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है या नहीं। तो आप देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न कैसे चेक करते हैं, पहले लेटर को पहले लेटर से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो आप देखेंगे 8, 5, मतलब 8 में से आपके 3 गए, कितने बचे 5, 1, 15, अब 14 बढ़ गए, उसके बाद 14, 2, 12 घट गए। तो दोस्तों आपने देखा दूर दूर तक डिफरेंस है, यानी कि ना तो नंबर सेम इंक्रीज हो रहे हैं ना सेम घट रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। जब फॉरवर्ड पैटर्न ना हो दोस्तों तो हम क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, और दूसरा पैटर्न क्या है हमारा, रिवर्स पैटर्न। अब हम रिवर्स पैटर्न को समझते हैं, आखिर रिवर्स पैटर्न है क्या। अगर बात करें दोस्तों रिवर्स पैटर्न की, रिवर्स पैटर्न को कैसे चेक करते हैं, सपोज आपके दोस्तों ये 4 लेटर हैं, कितने 4, 4 लेटर को 4 लेटरों से कैसे कोड कर सकते हैं, कि हो सकता है पहले लेटर को इन्होंने लास्ट वाले लेटर से, यानी कि पीछे से अंतिम लेटर से कोड किया है। इसी प्रकार से सेकंड को अंतिम सेकंड से, थर्ड को अंतिम थर्ड से, और लास्ट वाले को पहले से। तो ये दोस्तों हो गया आपका आपका कौन सा, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स पैटर्न जब भी आप चेक करें तो बिल्कुल पीछे से चेक करें, यानी कि पहले लेटर को अंतिम लेटर से, दूसरे लेटर को अंतिम सेकंड से, तीसरे को अंत से, तीसरे लेटर से जो है कोड कर दिया जाता है। इस प्रकार जो आप रिवर्स पैटर्न चेक कर सकते हैं जब क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न आपका फेल हो जाए। तो आप देखेंगे 8, 9, एक बढ़ गया 1, 2, 14, 15, 4, 5, यानी कि इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका कौन सा पैटर्न लगा है, इसमें लगा है रिवर्स पैटर्न। कौन सा, रिवर्स पैटर्न, यानी कि 8 और 1, 9, 1 और 1, 2, 14 और 1, 15, 4 और 1, 5। तो आप भी जो है रिवर्स पैटर्न इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे SILK, इनकी प्लेस वैल्यू जब आप लिखेंगे 19, 9, 12, 11। तो आप भी क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे 19 और 1, 20, 9 और 1, 10, 12 और 1, 13, 11 और 1, 12। इस प्रकार से जब आप लिख देंगे तो आप देखेंगे 12वें स्थान पर L, 13वें स्थान पर M, 10वें स्थान पर J, 20वें स्थान पर T। तो फाइनली दोस्तों आपका क्या आंसर आएगा, LMJT। तो दोस्तों ये था हमारा रिवर्स पैटर्न, आशा करते हैं ये भी आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों हमने अभी 2 पैटर्न आपसे जो है डिस्कस किए, पहला पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न और दूसरा रिवर्स पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न को हम जो है आगे से चेक करते हैं और रिवर्स पैटर्न को पीछे से। अब दोस्तों तीसरा पैटर्न है हमारा क्रॉस पैटर्न। ये क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्रॉस पैटर्न पर आधारित है। क्रॉस पैटर्न कैसे लगता है आइए इसको भी हम जानते हैं। अगर दोस्तों क्रॉस पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम क्रॉस पैटर्न को समझ लेते हैं, यानी कि क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न की बात करें दोस्तों, जैसे सपोज आपके पास 4 लेटर है, 1, 2, 3, 4, कितने लेटर है दोस्तों 4। तो 4 लेटर है तो आपका क्रॉस पैटर्न किस प्रकार से लग सकता है, यानी कि दूसरे लेटर को पहले लेटर से और पहले लेटर को दूसरे लेटर से इस प्रकार से कोड कर दिया जाता है, और लास्ट के जो 2 लेटर हैं इनको भी इसी प्रकार से कोड कर दिया जाता है, यानी कि 2-2 लेटर के हिसाब से दोस्तों आपका क्रॉस पैटर्न लग सकता है। अगर सपोज आपके पास 6 लेटर हैं, कितने 6, 1, 2, 3, 4,
पाँच छः, यानी कि आपके पास अगर दोस्तों छः लेटर हैं, कितने? छः लेटर, तो हो सकता है इस बार तीन तीन के हिसाब से, यानी तीन लेटरों के हिसाब से क्रॉस पैटर्न चल रहा हो, यानी पहले लेटर को तीसरे लेटर से, तीसरे को पहले से, और बीच वाले को बीच वाले लेटर से जो है कोड कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अंतिम तीन लेटर को भी कोड कर दिया जाता है इस प्रकार से, यानी कि छः लेटर में तीन तीन के हिसाब से भी दोस्तों आपका क्रॉस पैटर्न लग सकता है। अगर ऐसे भी लग सकता है, यानी कि आपको छः लेटर दे रखे हैं इस प्रकार से, तो इस बार हो सकता है दो दो के हिसाब से भी, क्या है, दो दो के हिसाब से भी आपका क्रॉस पैटर्न लग सकता है, यानी कि दो दो लेटर के हिसाब से। तो आप देखेंगे क्रॉस पैटर्न इस प्रकार से यूज होते हैं, जैसे यदि सपोज आपके चार लेटर हैं, एक दो तीन चार, तो हो सकता है शुरू के तीन लेटर में क्रॉस पैटर्न हो इस प्रकार से, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से, इस प्रकार से भी हो सकता है, एक दो तीन चार, हो सकता है लास्ट के तीन लेटरों में इस प्रकार से हो और पहले का पहले से हो। तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, आपके क्रॉस पैटर्न हैं। तो जब भी आपका फॉरवर्ड पैटर्न या रिवर्स पैटर्न फेल हो जाए, तो आप कौन सा पैटर्न चेक करेंगे? क्रॉस पैटर्न। किस प्रकार से चेक करना है, तो ये ढेर सारे आप पैटर्न देख रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन में घुमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले उसकी अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे इसको समझते हैं हैंड, यानी एच ए एन डी, एच आपका आता है 8 पर, ए 1 पर, एन 14, डी 4। हमने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब हैंड को इन्होंने कोड किया किससे, यानी कि बी आई ई ओ से, किससे, बी आई ई ओ से। तो बी आप देखते हैं 2 नंबर, आई 9, ई 5, ओ 15, यानी कि हमने भी इनकी प्लेस वैल्यू जो इनके नीचे लिख दी। अब आप चेक करिए सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, तो आप देखेंगे 8 2, 6 का डिफरेंस 1, 9 8 का डिफरेंस, 14 5 9 का डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या अलग अलग है, इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। जब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, तो आप क्या चेक करेंगे, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न कैसे चेक करते हैं, यानी पहले लेटर को अंतिम लेटर से, तो आप देखेंगे 8 15, 7 का डिफरेंस, 1 5 4 का डिफरेंस, 14 9 5 का डिफरेंस। यहाँ भी डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, यानी कि ना तो सेम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ना सेम नंबर घट रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब इसमें रिवर्स पैटर्न भी आपका क्या है, फेल हो गया। जब दोस्तों आपका फॉरवर्ड पैटर्न रिवर्स पैटर्न फेल हो जाए, तो आप तीसरा पैटर्न चेक करेंगे, क्रॉस पैटर्न। तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 लेटर हैं, कितने, 4, तो किसके हिसाब से चलेगा पैटर्न, हो सकता है दो दो लेटर के हिसाब से इसमें दोस्तों आपका क्रॉस पैटर्न लगा हो। तो आप देखेंगे 8 और 1 9, 1 और 1 2, यानी कि प्लस 1 हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, प्लस 1। यहाँ देखेंगे आप, यानी डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, कितनी, 4, तो 4 और 1 5, और 14 और 1 15। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, दो दो लेटर के हिसाब से क्या है, क्रॉस पैटर्न, यानी कि प्लस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 1। तो हम भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से जब सिल्क का कोड निकालेंगे, एस आई एल के, तो आप देखेंगे एस 19, आई 9, एल 12, के 11। तो इसी प्रकार से हम भी इसको जो है इसी पैटर्न का यूज करके इसको लिखेंगे, 9 और 1 10, और 19 और 1 20, 11 और 1 12, और 12 और 1 13। आप जानते हैं 10 नंबर पर आता है आपका J, 20 पर T, 12 पर L, 13 पर M। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनली आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, JTLM, क्या होगा, JTLM। दोस्तों
ये था आपका क्रॉस पैटर्न। हमने आपसे तीन पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। दोस्तों यदि आप रीजनिंग को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये करना कि आपको इनकी अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू लेटरों की याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इसी प्रकार से शुरुआत में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू उनके ऊपर लिख दें। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड पैटर्न है, कि रिवर्स पैटर्न है, कि क्रॉस पैटर्न है। उसके बाद जब आप खूब प्रैक्टिस कर लें फिर आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, फिर आप देखेंगे एच, फिर आप एच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आठ। ए को ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एक। एन को एन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चौदह। फिर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको आज हमने जो तीन पैटर्न समझाए ये समझ में आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाने की। दोस्तों अब